सभी को मेरा जोहार नमस्कार। झारखंडी व्यंजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। झारखंडी व्यंजन में आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। डोसा दोस्तों जो साउथ इंडिया में बनाया जाता है, दक्षिण भारत में। तो डोसा बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है लाल लाल छोटे छोटे बादाम, यहाँ पे अदरक घिसी हुई, यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू जिसे हमने थोड़ा मैश कर लिया है, साथ साथ में यहाँ पे धनिया की पत्ती, कटे प्याज। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डोसा का बैटर जो हमने जो इसके इडली बनाने के लिए हमने बैटर बनाया था, वही बैटर मेरा बचा हुआ था, तो उसी से मैं आप लोगों को डोसा बना करके दिखा रही हूँ दोस्तों। और साथ साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़ीरा, हींग और साथ में राई, और यहाँ पर मैंने पचफोड़न ले लिया दोस्तों। तो आइए, यहाँ पर मैंने एक तवे पर एक कढ़ाई पे रिफाइन तेल गरम कर लिया था और मैं यहाँ पे ज़ीरा, हींग और जो राई है वो डाल देती हूँ, साथ में यहाँ पचफोड़न भी मैंने डाल दिया दोस्तों। तो देखिए ये इस तरह से अभी चटकेगा दोस्तों, ये जब चटक रहा है तो मैं इसमें अभी डाल देती हूँ दोस्तों बादाम। ये जो बादाम थे तो थोड़े बादाम को मैं भून लेती हूँ। तो देखिए ये जो हमारे बादाम है वो इस तरह से भून जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भून रहे दोस्तों, साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पाउडर मसाले हैं जो ले लिए हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी दोस्तों। तो आइए, यहाँ पे पचफोड़न भी चटक रहा है और ज़ीरा भी चटक रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक, तो मैंने यहाँ पे अदरक भी डाल लिया है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर फ्राई हो रहा है, साथ साथ यहाँ पे अब प्याज डालती हूँ और हरी मिर्च जो है वो डालती हूँ, इनको भी मैंने इस तरह से डाल लिया है। अब मैं हल्का सा नमक का प्रयोग करूँगी। इस तरह से प्याज डाल करके मैंने यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। तो आप भी अपने घर पे झटपट डोसा बना सकते हैं इसी तरह से, इसी विधि से, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट डोसा का जो है आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इन सब्जियों को भी डाल रही हूँ, ये धीरे धीरे सभी एक दूसरे में पकेंगे और साथ ही फिर मैं हल्का नमक डालती हूँ। और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ दोस्तों, फिर आगे मेरे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। मैं यहाँ पे अब ढक्कन हटा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लगभग ये हल्का हल्का जो है वो भून चुका है। अब मैं इसमें हल्का सा धनिया का पाउडर डालती हूँ, हल्का सा गरम मसाला का पाउडर डालती हूँ, साथ ही साथ हल्का ज़ीरा पाउडर डालती हूँ और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे डाल लूँगी और इसे भून लूँगी। सब्जियाँ लगभग भून चुकी हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे हमारे जो मैश किए हुए आलू थे वो डाल रही हूँ, साथ में यहाँ पे हल्का सा नमक। अब देखिए दोस्तों ये ना ज़्यादा मैश किए हुए हैं ना ज़्यादा ये किए हुए दोस्तों, रफली मैश किए हुए आलू हैं। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे रफली मैश आलूओं को इस तरह से भून लूँगी। तो आइए 2 मिनट इसे भूनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा मसाला है, आलूओं का मसाला जो है वो लगभग भून चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना दोस्तों, देखिए कसूरी मेथी है मैं वो डाल रही हूँ, साथ में यहाँ पे जो गार्निश के लिए धनिया पत्ती ली थी मैं वो डाल रही हूँ दोस्तों। और इसे इस तरह से जो है मैं चटवे की मदद से जो है अलट पलट करके जो अपना एक टेस्टी सा मसाला है दोस्तों वो मैं तैयार कर ली हूँ। अब आइए दोस्तों इन मसालों की जो मदद से मैं जो टेस्टी टेस्टी क्रंची क्रंची जो है वो आलू वाले मसाले डोसे मैं तैयार कर रही हूँ दोस्तों, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। आइए दोस्तों यहाँ पे हमारा डोसा का बैटर तैयार है, साथ साथ में हमारा जो ये आलू है ये आलू भी बन करके तैयार है दोस्तों। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके ले लिया है और यहाँ पे मैंने अपने जो डोसे तवे हैं उसको गर्म करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे
डाल दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने सरसों तेल और रिफाइन तेल लिया है, और यहाँ पे एक जो है कटोरी में पानी ली है, और यहाँ पे इस तरह से कपड़ा लिया है दोस्तों, और इसी कपड़े को मैं इसमें इस तरह से जो है भिगो देती हूँ दोस्तों। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे तवा गर्म हो गया है, मैं यहाँ पे जो है वो तेल का जो मिक्स है वो डाल रही हूँ, और ये पूरा तवा गर्म है, और इस तरह से भीगे हुए कपड़े से मैं क्या करूँगी, ये जो तवा है दोस्तों इसे इस तरह से पोंछ करके मैं हटा लूँगी दोस्तों। तवा चिकना हो गया है। आइए अब मैं ये जो डोसा का बैटर है दोस्तों, इसको इस तरह से जो है वो एक जगह पे डाल देती हूँ दोस्तों। और देखिए मैं अपने हाथों से प्यारे प्यारे जो डोसे हैं उसको किस तरह से जो पूरे तवे में है वो मैं फैला रही हूँ दोस्तों। तो देखिए जो हमारा डोसा का जो बैटर है दोस्तों, ये पूरे तवे पे किस तरह से फैल चुका है दोस्तों। कितना सुंदर जो तवा है, तवे पे है जो दोस्तों बैटर, वो पूरा फैल गया है इस तरह से। जहाँ जहाँ बचा हुआ है मैं वहाँ डाल करके इसे इस तरह से दबा देती हूँ दोस्तों। और आइए मैं इसे 2 मिनट के लिए अब ढक देती हूँ दोस्तों। 2 मिनट के अंदर ये पक जाएगा, तो फिर मैं इसमें आपको मसाले वगैरह डाल करके दिखाऊंगी। तो आइए दोस्तों अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ, और देखिए ये किस तरह से ये जो डोसा है चारों तरफ से पक रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगी दोस्तों, इस तरह से जो है चारों तरफ से जो है मैं वो ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद देखिए ये चारों तरफ से खुद ही दोस्तों ये पक के जो है ये अपना किनारा जो है वो छोड़ने लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैं इसे इस तरह से करी, देखिए दोस्तों ये हमारा जो डोसा है वो बन रहा है दोस्तों। मैं हल्का ऑयल और लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से क्रंचीनेस से पक जाए दोस्तों। तो देखिए ये हमारा जो डोसा है वो पक रहा है, ये चारों तरफ से बिल्कुल इसने अपनी जगह जो है वो छोड़ दी है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ दोस्तों, यहाँ चम्मच की मदद से इस तरह से जो है वो मैं मसालों को यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल फैला देती हूँ दोस्तों। ये मसाले जो हैं, ये मसाला डोसा, आलू मसाला डोसा में ये जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से फैल चुके हैं दोस्तों। और मैं साथ साथ यहाँ पे ऊपर से जो है वो प्याज दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर, कितना प्यारा हमारा मसाला, कुरकुरा मसाला डोसा दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से दोस्तों, देखिए मैं इसे इस साइड से और इधर इस साइड से जो है बिल्कुल रोल कर दे रही हूँ। और देखिए सिक कर तवे पे तैयार है दोस्तों हमारा मसाला डोसा, क्रंची कुरकुरा मसाला डोसा दोस्तों। देखिए कितना स्वादिष्ट क्रंची कुरकुरा मसाला डोसा तैयार है दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे बनाएं और सबको खिलाएं दोस्तों। तो देखिए मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल चुरमुरा मसाला डोसा दोस्तों। तो आप भी इसे अपने परिवार में सबको बनाएं, खिलाएं सभी और सबको परोसे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है नारियल, धनिया पत्ता, बादाम की चटनी, साथ साथ में यहाँ पे सांभर ले लिया है दोस्तों। तो आप इसके साथ में कुरकुरा मसाला डोसा खाएं और मेरे व्यंजन का लुत्फ उठाएं दोस्तों, और अपने घर में सभी को बना करके खिलाएं। तो सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।